हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग का जो चैप्टर था लाइट फिजिक्स का क्लास 10th का, उसके आगे हम लोग चलते हैं। आप लोग को जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था वो आपके पूरे प्लेइंग मिरर तक मैंने आपको समझा चुका था। अब हम लोग दूसरे टाइप ऑफ मिरर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? आप लोगों ने बॉल देखा होगा, एक बॉल देखा होगा, उस बॉल में आप स्टूडेंट देखते होंगे क्या कि जब कभी वो बॉल जो होता है, अगर बीच से उसको क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, स्फीयर लाइक बॉल, उसको अगर बीच से क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो दो तरह का शेप आता है। एक आपको कुछ इस तरह का दिखेगा और एक आपको कुछ क्या दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब समझिए कि स्फेरिकल मिरर बोलते किसको है। अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, कोई भी एक हॉलो स्फीयर है उसका कोई भी पार्ट which reflect the rays of light and forms image is known as spherical mirror. समझ रहे students? देखिए, spherical mirror कहने का मतलब क्या? मान लीजिए कि यह आपका एक sphere है। इसको अगर आप क्या कर दीजिए, बीच से क्या कर दीजिए, आप कट कर दीजिए, तो आपको दो पार्ट मिल जाए students। एक कुछ इस तरह का और ये आपका क्या, कुछ इस तरह से। ये आपका क्या है, ग्लास का आपका क्या है, spherical mirror है। ये आपका क्या है, ग्लास स्फेरिकल बॉल। ये जो आपका किसका है, एक ग्लास का स्फेरिकल बॉल है जिसको दो पार्ट में आपको क्या किया गया, कट किया गया। क्लियर फ्रेंड्स? अब यहां पे समझिए कि होता क्या है। तो इसी ग्लास को अगर एक साइड से क्या कर दिया जाए, कोटेड कर दिया जाए, या तो सिल्वर से या फिर एल्युमिनियम से, जो कि आपका क्या है, रिफ्लेक्टर है लाइट का, तो इट विल बिकम मिरर, है ना फ्रेंड्स? तो ये दो तरह के मिरर होते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं आपके कंकेव मिरर, और दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वेक्स मिरर। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं कि कंकेव मिरर किसको बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन प्लेन मिरर इट रिफ्लेक्ट्स पैरेलली। आपको याद होगा, अगर प्लेन मिरर पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रेज ऑफ लाइट को, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को फॉल कराते थे, तो ये पैरेलली क्या करता था, रिफ्लेक्ट करता था। बट इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर, स्फेरिकल मिरर विच कन्वर्जेस द रेज ऑफ लाइट एट अ सिंगल पॉइंट। फ्रेंड्स, अगर एक सिंगल पॉइंट पे वो क्या कर दे, कन्वर्ज कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर, है ना फ्रेंड्स? क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कनकेव मिरर। और दूसरे तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज आउटवर्ड फेस, है ना फ्रेंड्स, क्या, आउटवर्ड फेस इज पॉलिश्ड एंड इनवर्ड फेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, अगर आप इसके आउटवर्ड फेस को क्या कर दीजिए, कोटेड कर दीजिए सिल्वर से या फिर एल्युमिनियम से, तो ये आपका क्या हो गया, कोटेड पार्ट हो गया, एंड दिस वन इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना फ्रेंड्स? ये क्या है आपका, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि आपका क्या है, इनवर्ड है। इन दैट केस ये जो मिरर होगा वो आपका क्या होगा, कनकेव मिरर। इसके सारे चीज को एक एक करके मैं समझाऊंगा, अभी आप टाइप्स ऑफ मिरर समझिए। नेक्स्ट, दूसरा टाइप्स ऑफ मिरर क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा है आपका क्या, कॉन्वेक्स मिरर। When parallel rays of light falls on any spherical mirror and it diverges the rays of light, that means what? कि अगर उस पर आप फॉल करा रहे हैं तो वो रैंडमली आपके अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए, तो उस तरह के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इट डाइवर्जेस द रेज ऑफ लाइट, और दूसरे लैंग्वेज में अगर आप इसको स्टूडेंट डिवाइड कीजिए, तो कॉन्वेक्स मिरर इज अ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज आउटवर्ड, जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या है, आउटवर्ड है, एंड उसका आपका क्या, जो पॉलिश सर्फेस है या जो आप एल्यूमिनियम का उस पर लेयर चढ़ा चुके हैं, वो आपका क्या होगा, इनवर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस स्टूडेंट, अगर आप इसको सेट कर दीजिए इनर पार्ट को, तो ये आपका क्या हो गया, पॉलिश, एंड दिस वन इज योर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि आपका क्या है, आउटवर्ड। इस केस में ये आपका क्या कहलाता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा।
क्लियर फ्रेंड्स। तो ये था दो टाइप्स ऑफ आपका क्या मिरर। अब समझेंगे एक एक करके इसके पार्ट को, समझिएगा स्टूडेंट ध्यान से। तो स्फेरिकल मिरर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल फिगर है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ऑन द पेपर। अगर करना भी होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे लिख के और यहाँ पे ऐसे हम लोग कर देते हैं, लेकिन इससे हम लोग का काम होने वाला नहीं। देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, इसको हम लोग एक सर्कल के फॉर्म में क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका एक सेंटर है और कंपास में पेंसिल लगा के हम लोग क्या करते हैं इसके चारों तरफ एक सर्कल क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये जो हो गया आपका एक क्या हो गया स्फीयर, इट रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर। व्हेन वी कट दिस स्फीयर, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे ही हम इसको काट देते हैं तो हम लोग स्टूडेंट्स एक जो पार्ट है किसी भी एक पार्ट को आप क्या कर दीजिए इसको खाली कर दीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स, देन आफ्टर हम लोग इसके एक पार्ट को क्या कर देंगे सेट कर देंगे, मतलब एक फेस को हम लोग क्या कर देंगे सेट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, द पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस कर्व मिरर इज ड्रॉन इज नोन एज, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड द लाइन क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो रेडियस जिसका कि यूज किया हुआ इस सर्कल को बनाने के लिए, इस लाइन को हम लोग अगर ड्रॉ करें और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इसको लेके जाएं तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पॉइंट वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस मेट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आप एक तरह से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स क्या है इमेजिनरी लाइन जो कि हम लोग जहां से ड्रॉ किया गया है मिरर को वहां से स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन जहां पे आपके जाके मिरर पे टच करते हैं मिडिल ऑफ द मिरर दिस पॉइंट इज नोन एज पोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स पोल। क्लियर स्टूडेंट्स, तो दूसरे तरीके से अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट करना हो ये तो है कैपिटल आर, अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जानते हैं क्या कि इसका हाफ है ना स्टूडेंट, इसका क्या हाफ मतलब क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं फोकस, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स फोकस, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फोकस। देन आफ्टर द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, जो पोल और फोकस के बीच का स्टूडेंट डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं हम लोग इसको फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। क्लियर स्टूडेंट्स, पोल को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से, इसका रूल पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमेज फॉर्मेशन में आपका कैसे कैसे रे डायग्राम जाएगा उसको समझने के लिए आपको उसका रूल को याद रखना जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या कॉन्वेक्स मिरर। ये तो था आपका क्या कॉन्केव मिरर, ये क्या था आपका कॉन्केव मिरर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक इसी तरह का स्टूडेंट्स, बट वो आपका क्या होता है उसका जो सेंटर रीजन होता है या फिर उसका पॉलिश जो सरफेस होता है वो क्या होता है इनवॉल्व होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसको भी और एक चीज और स्टूडेंट्स आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो फोकस है इसका ये आपका क्या है रियल फोकस है स्टूडेंट्स, क्या ये रियल फोकस है याद रखिए, क्यों मैं आगे आपको समझाऊंगा, ये जो फोकस इसका है वो रियल फोकस कहलाता है। और रियल और वर्चुअल मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बता चुका है, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं मैं आपको फिर से समझाऊंगा। नेक्स्ट, अब जो आपका है फिर से उसी तरह से, अगर उसी स्फेरिकल जो आपका ग्लास था उसका अगर इस पार्ट को हम लोग लेंगे और उसके इनवॉल्व फेस को हम लोग क्या करते हैं पॉलिश करते हैं, देन ये जो आपका है वो क्या कराएगा कॉन्वेक्स मिरर, है ना स्टूडेंट्स, क्या कराएगा कॉन्वेक्स मिरर।
तो ये भी जिस सर्कल का पार्ट है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से जो लाइन मिलाएंगे वो आपका जो पूरी पीछे की तरफ चला जाएगा, वो आपका क्या कराएगा, आपका सी, या आपका क्या प्रिंसिपल एक्सिस, आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका जो पॉइंट जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस टच कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा पोल। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में आपको इसका जरूरत आएगा, इस लाइन का प्रिंसिपल एक्सिस का। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या देख सकते हैं कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इसका क्या होता है, फोकस होता है। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ इज नोन एज व्हाट, फोकल लेंथ। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या है, बेसिक पार्ट्स था दोनों का, किसका किसका, कनकेव लेंस का, सॉरी कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। क्लियर फ्रेंड्स, हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, जो फर्स्ट रूल है स्टूडेंट्स आपका कनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन का, वो ये है कि व्हेन अ रेज ऑफ लाइट फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपका रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या करता है, फॉल करता है, इट पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या कहने का मतलब स्टूडेंट्स, ध्यान से दिखिएगा, ये आपका एक कनकेव मिरर है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका एक क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, आपने इसको इस साइड से सेट कर दिया है, ये आपका क्या हो गया फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स फोकस, और जिस सेंटर से इसको बनाया गया वो क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ही आप एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आप क्या कराते हैं, फॉल कराते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रहे आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट पासिस थ्रू फोकस, किससे पास करेगा स्टूडेंट, फोकस से। तो हमारा फर्स्ट रूल यही है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या है स्टूडेंट्स, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू फोकस फॉल्स बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर फोकस से होते हुए वो क्या करेगा, पास करे और जाके किस पे फॉल करे, मिरर पे, इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कि ये आपका फिर से कनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल है ना स्टूडेंट्स, एफ ये आपका क्या सी, क्लियर है। वेन एवर ए रेज ऑफ लाइट फॉल्स एंड पासिस थ्रू फोकस ऑन अ कनकेव मिरर इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से आपका पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है ये आपका क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा इसे। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने जूनियर क्लास में पढ़ा था कुछ इस तरह से पैरेलल का सिंबल होता है, वही मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि रेज ऑफ लाइट इधर जा रहा है, ये पैरेलल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या दिया, सिंबल दिया। तो ये जैसे ही फोकस से पास किया आपका क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी इंसिडेंट रे और क्या रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या हो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा इट विल रिफ्लेक्ट एंड कम बैक ऑन द सेम पाथ। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, हम लोग जैसे ही ये आपका क्या है कनकेव मिरर है ना, ये कनकेव मिरर, इसको हम लोग एक साइड से पॉलिश कर दिए हैं, ये आपका एक क्या प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और क्या सी। व्हेनेवर ए रेज ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस एंड फॉल्स ऑन अ मिरर, अगर वो सॉरी स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेनेवर रेज ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फॉल्स ऑन अ कनकेव मिरर इट रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। मतलब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ऐसे गया और फॉल किया, देन आफ्टर रिफ्लेक्ट करके वापस उसी पाथ पे वो आ जाता है, तो ये क्या हो गया थर्ड रूल हो गया। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन पोल ऑफ अ कनकेव मिरर, अगर पोल पे फॉल करता है तो जितने एंगल से वो पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पोल पे एंगल बनाता है उतने ही एंगल से वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक भी करता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एक कनकेव मिरर, इसको आप क्या कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए, थोड़ा सा स्टूडेंट तिरछा हो गया तो इतना तो मैं बना नहीं रहा हूँ कंपास से, आप लोग इसको कंपास से बनाइएगा, कैसे बनाते हैं वह अभी मैं सिखाऊंगा आप लोग को। ये हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये आपका क्या सी। मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स, व्हेन इज अ फ्लाइट फॉल्स ऑन द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर इट मेक्स सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस इट रिफ्लेक्ट
विद द सेम एंगल एज इट मेड विद द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, जितना यहाँ पे एंगल आई था उतना ही आपका क्या होगा, एंगल आर भी होगा। ये आपका फॉल किया और रिफ्लेक्ट करके इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये आपका इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी आपका इंसिडेंट रे था और यही आपका क्या था, रिफ्लेक्टेड रे भी था। तो ये आपका स्टूडेंट देख लीजिए ध्यान से आप इसको एक बार पूरा, ये जो है आपका क्या है, रूल्स है जिसका कि यूज़ करेंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन में। 6 जगह पे आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। आइए स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन किसका, स्फेरिकल मिरर का। स्टूडेंट्स स्फेरिकल मिरर के जो कॉनकेव मिरर हैं उसके 6 पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, इमेज को बनाते हैं। देखिए कैसे कैसे, एक आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन है बिटवीन पी एंड एफ, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस फोकस के बीच में, फिर आपका फोकस पे, देन आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे, फिर आपका कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खुद, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, और आपका कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। स्टूडेंट्स एक चीज़ समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये इमेज जो बनाते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर का, कनकेव मिरर का, अगर आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है तो उसका हम लोग कैसे उसका इमेज बनाएंगे, ये खास करके न्यूमेरिकल्स में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएगा और वहाँ बोलेगा कि एक्सप्लेन विथ रे डायग्राम, तो आपको इस तरह से इस कनकेव मिरर बनाना होगा विथ अ डिफाइंड और गिवन फोकल लेंथ। देखिए स्टूडेंट कैसे, मान लीजिए कि आपका फोकल लेंथ जो है आपका क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि फोकल लेंथ आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, है ना स्टूडेंट्स, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग कैसे इसका मिरर बनाएंगे, कनकेव मिरर कैसे बनाएंगे, देखिएगा स्टूडेंट्स हम लोग 4 को डबल करेंगे, है ना स्टूडेंट्स, क्या करेंगे 4 को डबल करेंगे। डबल क्यों करेंगे, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि ये जो आपका स्फेरिकल मिरर था, दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस, पता है ना आप लोगों को, ये आपका क्या कहलाता है, रेडियस, सर्कल चैप्टर में पढ़े थे, ये आपका क्या कहलाता है, रेडियस। और इसका हाफ क्या था, फोकल लेंथ, यानी कि ये जो आपका F था और यहाँ से यहाँ तक था फोकल लेंथ, और ये आपका क्या था, C और F के बीच का डिस्टेंस। तो अब एक चीज़ याद कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो होगा वो हाफ होगा किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है स्टूडेंट्स, उसका क्या होता है, हाफ होता है, यानी कि बाई क्या, 2। तो इससे एक फॉर्मूला भी निकलता है, क्या निकलता है, F इज इक्वल्स टू R बाई 2 या फिर R इक्वल्स टू 2F। यहाँ पे F रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ को और R रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर को। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि इसका जो है हम लोग जो फोकल लेंथ 4 था उसको हम लोग ने क्या किया, डबल किया बाई दिस फॉर्मूला। तो आपका रेडियस कितना आ गया फ्रेंड्स, 4 × 2 = 8। अब हम लोग अपने कंपास को 8 सेंटीमीटर क्या कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे और वो जो कर्व पार्ट है स्फेरिकल मिरर का उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे, तो हम लोग 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लें, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, सी, और यहाँ से एक प्लेन मिरर, सॉरी एक कनकेव मिरर का पार्ट मैंने क्या किया, ड्रॉ किया, क्लियर फ्रेंड्स। अब प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग को ड्रॉ करेंगे, है ना स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, इसको एक साइड से हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, सेट कर देंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने लेना है, फोकल लेंथ था 4 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेना था, 8। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है स्टूडेंट्स, 8 सेंटीमीटर, है ना। तो हमको फोकल लेंथ का भी तो जरूरत होता है इमेज फॉर्मेशन में, तो स्केल रखे स्टूडेंट्स इसको, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो उसके ठीक बीच में यानी 4 पे आप स्केल रख के एक डॉट दे दीजिएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। अब आइए एक एक करके इमेज फॉर्मेशन, फर्स्ट आपका स्टूडेंट्स क्या, जब कभी भी पोजिशन जो है वो किसके बीच में, पी और एफ के बीच में, तो ये आपका पोल, है ना स्टूडेंट्स। अब उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में, तो स्टूडेंट्स हम लोग ने पहला रूल क्या देखा था, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स एंड रिफ्लेक्ट बैक बाय पासिंग थ्रू द फोकस। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे रूल स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सी के लाइन में कोई भी रेज ऑफ लाइट को क्या कराते हैं, फॉल कराते हैं,
तो कहेगा सर सी के लाइन में कैसे फॉल करेगा, ये तो आगे है। तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, आप स्केल को कुछ इस तरह से रखिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट रख के, स्केल को रख के सीधा, और इसके लाइन में आप पहले इसको क्या कीजिए, रिफ्लेक्ट कराइए, और रिफ्लेक्ट कराने के बाद जैसे ही आप इसको फॉल किए, कनकेव मिरर पे फॉल किया, और रिफ्लेक्ट कराने के बाद कुछ इस तरह से ये जाना चाहिए कि ये किससे पास करना चाहिए, सी से पास करना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए उन चार रूल में से दो रूल आपको यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में दो रेज, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट का टकराना बहुत ही ज़्यादा क्या जरूरी है, बेसिक में मैंने आपको बता चुका है पहले वाले पार्ट में। तो अब यहाँ पे तो ये टकरा नहीं रहा है, ये दोनों का दोनों रेज ऑफ लाइट क्या कर रहा है आपका, दूर जाते जा रहा है, तो इमेज नहीं बनेगा? नहीं स्टूडेंट्स, बनेगा। कहाँ बनेगा? तो इसको अगर हम लोग पीछे के तरफ क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं रेज ऑफ लाइट को, जैसे ही आप इसको एक्सटेंड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या बन जा रहा है, दोनों टकरा जा रहा है, और इसी पोजिशन पर आपका क्या बन रहा है, इमेज बन जाता है। किसका? जो आपका ए बी ऑब्जेक्ट था, रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश बी डैश से। तो मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, इस तरह के केस में जैसे ही आपके वर्चुअल रेज ऑफ लाइट जाके टकराते हैं तो वो इमेज भी क्या कराता है, वर्चुअल इमेज। तो इसका तीन कैरेक्टरिस्टिक या फिर कह सकते हैं इसके बारे में कुछ कुछ बात समझ लीजिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इमेज बना है वो आपका क्या बना है, वर्चुअल बना है, वर्चुअल इमेज। साथ ही साथ ये आपका क्या बना है, इरेक्ट। इरेक्ट कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इरेक्ट कहने का मतलब क्या होता है कि आप अगर सीधा खड़े हैं तो आपका इमेज भी क्या बन रहा है, सीधा ही बन रहा है। अगर मार्कर मैंने ऐसे पकड़ा है तो इसका इमेज भी क्या बनेगा, इसी तरह से। अगर ये उल्टा बन जाता तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, इन्वर्टेड है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पर हम लोग दो प्रॉपर्टी देख चुके हैं। तीसरा क्या है स्टूडेंट्स, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब उसका जो साइज है वो आपका क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स, तो फोर्थ हो गया पोजीशन, वो आपका हो गया बिहाइंड द मिरर। क्लियर स्टूडेंट्स? कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। हम लोग क्या देखेंगे, फोकस पे। दूसरा जो पोजीशन है आपका क्या है, फोकस पे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसमें भी वही दो रूल यूज करेंगे। फर्स्ट, अगर हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल कराते हैं, इट विल पास फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे ही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल कराए, ये रिफ्लेक्शन के बाद किसे पास करेगा, फोकस से। दूसरा क्या रूल स्टूडेंट्स, कि अगर हम लोग सी के लाइन में फॉल कराते हैं, मतलब फिर से वही स्टूडेंट्स, यहाँ स्केल रखिएगा और स्केल रखने के बाद ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए कि वो किससे पास कर जाए, सी से पास कर जाए। तो जैसे ही इसके लाइन में हम लोग फॉल कराएंगे, ये जो है उसी पाथ पे वापस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि दोनों का दोनों लाइन आपको लगभग क्या मिल रहा है, पैरेलल मिल रहा है। मतलब इसको भी आप आगे तक बढ़ा दीजिए, यहाँ से इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, इसको भी आप आगे तक बढ़ा दीजिए, ये जल्दी आपका टकराने वाला नहीं है, मतलब इसका इमेज बनेगा। क्या देखेंगे, इस साइड भी आपका रेज ऑफ लाइट आपका इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं दूर पे ऐसा माना जाता है क्या कि एट इन्फिनिटी जो है आपका क्या बनेगा, कहीं जाके आपका इमेज बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑन द पेपर। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब हम लोग देखेंगे क्या इसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो फर्स्ट, ये जो होगा आपका क्या होगा, रियल इमेज। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जब भी मिलेगा तो ये एक्चुअल रेज ऑफ लाइट जाके टकराएगा। दूसरा आपका ये होगा इन्वर्टेड होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। थर्ड जो ये होगा आपका स्टूडेंट्स, वो क्या होगा आपका, हाईली मैग्नीफाइड। है ना स्टूडेंट्स? ये आपका क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। क्लियर फ्रेंड्स? हम लोग क्या देख रहे हैं कि सी और एफ के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट रूल क्या था स्टूडेंट्स, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो ये पास करेगा किससे, फोकस से। दूसरा क्या रूल हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि जब कभी भी ये फोकस से पास करेगा, है ना, तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स मैं स्केल का तो यूज़ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आप स्केल का यूज़ करके थोड़ा सा क्या बनाइएगा, स्ट्रेट बनाइएगा, है ना। तो ऐसा क्या देखा जाता है कि जैसे ये आपका इमेज फॉर्मेशन जो है वो कहाँ बनता है, सी के पीछे, यानी कि बिहाइंड क्या, सी। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि ये आपका ए
बी ये आपका बी डैश सॉरी ए डैश और बी डैश। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है कहाँ पे ये बनता है, तो बिहाइंड सी, कहाँ बनेगा, सी के पीछे। दूसरा आपका क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर फ्रेंड्स? क्यों, क्योंकि ये आपका एक्चुअल रेज ऑफ लाइट टकरा रहा है। और थर्ड जो होगा वो आपका क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से ये क्या होगा, बड़ा होगा। फ्रेंड्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट को मैंने कहा रखा है सी पे। वेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करेगा, वो किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। वही ठीक, अगर हम लोग कहाँ से पास कराएं, फोकस से पास कराएं, तो इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, अगर सी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आपका इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पे ही। आप देख सकते हैं आसानी से इसका इमेज कहाँ बना है, सी पे ही बना है। अगर मान लीजिए कि आपका बी ए था, तो यहीं पे बी तो है ही, ये आप क्या लिख दीजिए, ए डैश और बी डैश आप लिख सकते हैं। इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है स्टूडेंट्स, तो समझिएगा। सबसे पहले कहाँ पे बनेगा, तो एट सी पे ही, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें तो वहीं पे बनेगा। दूसरा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, देख रहे हैं उल्टा बन रहा है, रियल बन रहा है एक्चुअल रेज ऑफ लाइट। और थर्ड जो है आपका स्टूडेंट्स वो क्या है आपका, सेम साइज। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट जो आपका पोजीशन है वो क्या है, बिहाइंड सी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट रखें, तो फर्स्ट रूल क्या था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम लोग पास कराएं तो वो किससे पास करता है, फोकस से पास करता है। दूसरा क्या था कि अगर फोकस के लाइन में फॉल कराएं तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि ये आपका पैरेलल गया फोकस से पास किया, फोकस से गया पैरेलल पास किया, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट करता है सी और एफ के बीच में। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स। क्या रेसिप्रोकल्स, मैं अभी आपको जस्ट बताता हूँ क्या रेसिप्रोकल, सब केस में आपने जो नोट किया वो आपको दिखेगा। चलिए पहले इसको देखते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो आपका इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड, है फ्रेंड्स, क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, अदर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स हम लोग ऑब्जेक्ट को किस पे रखें, इन्फिनिटी पे, तो हम लोग ऑब्जेक्ट से दो रेज ऑफ लाइट को फॉल कराते हैं किस पे, प्लेन मिरर पे। तो फ्रेंड्स हम लोग दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल कराते हैं कुछ इस तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू रूल, एक तो आपका इस तरह से रैंडमली पास करेगा स्टूडेंट्स, इसका रूल आप आगे जाके सीनियर क्लासेस में पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या है कि जब कोई रेज ऑफ लाइट जितना ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया है उतना ही एंगल बनाते हुए ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, आपका रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, किसे रिफ्लेक्ट करेगा, आपका उतना ही एंगल बनाते हुए, स्केल का आप यूज़ कीजिएगा स्टूडेंट्स, उतना ही एंगल बनाते हुए क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो जहाँ पर ये इमेज बना वो कहाँ पे बनेगा इमेज आपका स्टूडेंट्स, फोकस पे, है ना, कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। अब होता क्या क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, समझिए ध्यान से। सबसे पहले तो कहाँ बनेगा, एट फोकस पे, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो। दूसरा आपका स्टूडेंट्स रियल एंड इन्वर्टेड, है ना स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड जो होगा आपका क्या होगा, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना स्टूडेंट। एक बात और ध्यान दीजिए, क्या मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, समझिएगा। आपको ये इमेज कहाँ रख, ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, इमेज कहाँ बने, इसको याद करना बहुत ही आसान है। बस तीन पोजीशन को आप याद कीजिए अच्छे से। फर्स्ट, अगर आप पोल और फोकस के बीच में रखें तो वो तो बिहाइंड द इन्फिनिटी, एक दूसरे का उल्टा होता है। देखिए स्टूडेंट, आप ऑब्जेक्ट को रखे थे फोकस पे, कहाँ बना था, इन्फिनिटी पे। आप ऑब्जेक्ट को रखें इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी इमेज कहाँ बना है, फोकस पे, है ना स्टूडेंट्स। सी पे रखे थे, सी पे ही बना था।
सी और एफ के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट रखे थे तो बिहाइंड सी बना था, और जब बिहाइंड सी रखे थे ऑब्जेक्ट तो किसके बीच में बना था, सी और एफ के बीच में उसका इमेज बना था। तो सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, इसलिए इसको केयरफुली क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी बताने वाले, वो क्या कि हम लोग कनकेव मिरर का फोकल लेंथ आसानी से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं ऑफ अननोन गिवन कनकेव मिरर। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या कीजिएगा, कनकेव मिरर को कुछ इस तरह से लोकेट कीजिएगा कि जितने भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट, जो आपके मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपका क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, सन है मान लीजिए, कुछ इस तरह से कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट सन से निकल के आपके मिरर पे क्या करे, फॉल करे। तो बहुत सारे रेज ऑफ लाइट आएंगे, तो हम लोग दो लेते हैं, रेज ऑफ लाइट एंड रेज ऑफ लाइट। ये जैसे ही रिफ्लेक्ट करके जहां पे रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ट कर दे, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो जो यहां से यहां तक अगर आप डिस्टेंस को मेजर कर लीजिएगा तो ये आपका क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ, जो कि मैंने आपको लास्ट जो इमेज फॉर्मेशन बताया था उसमें कुछ इसी तरह का था, क्या कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट आता था और इमेज कहां बनता था, फोकस पे। इसलिए कनकेव मिरर का भी अगर आपको फोकल लेंथ मेजर करना है तो आप इस तरह से फोकल लेंथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे स्टूडेंट्स, वो देखेंगे क्या यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। यूजेज ऑफ कनकेव मिरर बहुत ही ज्यादा है स्टूडेंट्स, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है वो ये है, बाय द डॉक्टर्स वाइल ऑपरेशन ऑफ पेशेंट्स, या फिर ज्यादातर इसका यूज करते हैं डेंटिस्ट लोग, अब उनके हेड मिरर के फॉर्म में वहाँ पे एक मिरर लगा देते हैं, कनकेव मिरर। क्योंकि अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर डॉक्टर देखते हैं किसी भी हमारे बॉडी पार्ट्स को, तो इट मे बी पॉसिबल दैट द लाइट इज ऑब्स्ट्रैक्टेड बाय हिज हेड, उसके हेड के द्वारा लाइट क्या कर दिया, रुक जाए। तो इसलिए यहाँ पे वो क्या रखते हैं, एक मिरर रख रहे हैं ताकि रेज ऑफ लाइट उनके मिरर पे फॉल करे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट जो है उस बॉडी पार्ट पे क्या करे, फॉल करे, और सारे पार्ट्स हम लोग को क्लियरली क्या हो सके, दिखाई दे सके। सेकेंड वन स्टूडेंट्स, हम लोग जो कनकेव शेप है उसका यूज हम लोग करते हैं किस चीज में, तो टॉर्च में, हेडलाइट्स में, ताकि अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पावरफुल बीम ऑफ लाइट आप क्या कर सके, निकाल सके। टॉर्च देखते हैं स्टूडेंट, जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो पूरे लाइट को क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है। तो कहिए कि सर कनकेव का तो काम एक जगह मिलाना, स्टूडेंट मिलता ही है वहां पे। आप टॉर्च को ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह का शेप रहता है उसके अंदर का, यहाँ पे बल्ब होता है और यहाँ से जो उसके ठीक फोकस पे किस तरह से अरेंज किया रहता है, फोकस पे रहता है, रेज ऑफ लाइट यहाँ से इस बल्ब से निकलता है और टकराने के बाद वो चारों तरफ निकलता है, लेकिन पहले तो फोकस पे रहता है ना। क्लियर स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारा है, जैसे हम लोग डिश टीवी वगैरह सब देखते हैं, एंटीना जो रहता है हम लोग का, वो क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इस शेप का रहता है और उसमें एक इस तरह से निकला हुआ रहता है, देखते हैं ना, जो कि आपके सिग्नल को क्या करता है, पकड़ता है। तो वो सारे सिग्नल्स को पकड़ के वहाँ पे वो कैच करता है, और जो आपके प्लेट्स लगे रहते हैं और वो सारे सिग्नल को जो उसका मशीन होता है स्टूडेंट्स डिश टीवी का, उस पर क्या कराता है, फॉल कराता है, और हम लोग का जो सिग्नल है टीवी का क्या करता है, आता है। मैं अभी आपके यूजेज लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आपका जो है कनकेव मिरर कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। ये जो था आपका थर्ड पार्ट था फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। आपका जो लास्ट पार्ट है उसमें आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो है इसी से रिलेटेड, एक तो था वो आपका कन्वेक्स मिरर के बारे में, फिर आपका मिरर फार्मूला और उसका प्रूफिंग, साथ ही साथ उसके कुछ यूजेस इन न्यूमेरिकल्स, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग विथ अस।